सरकार के आदेश के बाद 8 जून से मॉल्स खुल गए हैं शहर में, इसके साथ ही सैलून्स भी शुरू हो गए हैं। लेकिन जब बात करें जिम की, लेकिन जिम के अभी भी ताले लगे हुए हैं। हाल ही लुधियाना सहित कई जगहों पर जिम संचालकों और बॉडी बिल्डर्स ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी दिया। बता दें कि वहां हुए प्रदर्शनों के बाद पूरे देश में छोटे छोटे स्तर पर बॉडी बिल्डर्स आवाज़ उठाने लगे हैं अपनी मांगों को लेकर। साथ ही जिम में शुरू करने और गाइडलाइन के अनुसार उन्हें ओपन करने की मांग कर रहे हैं। हमने जयपुर के कुछ बॉडी बिल्डर से बात की कि आखिर उनकी क्या राय है इस बारे में। लॉयंस बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मरीज चोरसिया ने बताया कि युवा घर पर पसीना बहा रहे हैं, इससे बॉडी तो ज़रूर एक्टिव है लेकिन कंपटीशन के लिए शरीर में काफ़ी गिरावट आ गई है। राज्य सरकार नई गाइडलाइन जारी कर ओपन करे। नमस्कार, मेरा नाम मनीष चौरसिया है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और एक सीनियर बॉडी बिल्डर रह चुका हूँ। मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करूंगा जिम खोलने के आदेश दिए जाए। आज जिम खोलने के शराब के आदेश दिए गए, वो इतनी जरूरी नहीं थी, जरूरतमंद नहीं थी, क्योंकि इम्यूनिटी पावर जिससे बढ़ती है उस चीज के आदेश नहीं दिए गए। जिम जाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, स्वास्थ्य सही रहेगा। कई मेरे भाई बॉडी बिल्डर, जिम कोच और जिम ओनर आज सड़कों पे आ चुके हैं, जिनके कारण उनका रोजगार छीन लिया गया है। राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक जी गहलोत से निवेदन करूंगा जिम खोलने के आदेश दिए जाए और एक जिम में सिक्योरिटी तौर पर सुबह 5 से रात के 10 बजे तक पूरी 14 घंटे 15 घंटे की जिम ओपन कराई जाए, जिससे हर एक घंटे में 10 स्टूडेंट को अलाउ करा जाए और सैनिटाइजर को उपयोग में लिया जाए, मास्क का उपयोग हुए, कपड़े स्वस्थ और सफाई के पहने जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।